मैं इस वक्त मौजूद हूँ फतेहपुर गांव में और यहाँ पे सपा के जिला अध्यक्ष जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कल कौन आ रहे हैं और क्या क्या तैयारियाँ की गई है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जान रहा हूँ कि कौन आपकी पार्टी के कल बड़े नेता आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं और क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और किससे मिलने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धे माननीय अखिलेश यादव जी का कल इस फतेहपुर गांव में लखनऊ से एयरपोर्ट से आएंगे और 11 बजे वहां एयरपोर्ट से उतरेंगे और उसके बाद सीधे फतेहपुर आएंगे और फतेहपुर आ करके पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और मिलने के बाद यहां से वो वापस जाएंगे। क्या दोनों परिवारों में जाएंगे? हाँ, दोनों परिवार में जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक सपा के कार्यकर्ता हैं मनीष जी, हम उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि कल कौन आ रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हो रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो सामाजिक सद्भावना के प्रहरी माने जाते हैं, वो देवरिया में जो फतेहपुर गाँव में जो घटना हुई है, जो हत्याकांड हुई है, इसमें शोक संवेदना प्रकट करने आ रहे हैं और एक संदेश भी देवरिया के जनमानस में देने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और देश में देने आ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सिर्फ एक पक्षीय शोक संवेदना प्रकट किया है, एक पक्षीय बात किया है, वहीं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामाजिक सद्भावना को मजबूत करने के लिए, सामाजिक रूप से जो हमारा समाज मजबूत है, जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खंडित करने की कोशिश किया है, उस खंडित समाज को रोकने के लिए, एकता का अखंडता का संदेश देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवरिया की धरती पर आ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो कब क्या कर दे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कब क्या कह दें, इसका कोई भरोसा नहीं है। सड़क ये बनेगी, कल लोग आएंगे जाएंगे, फिर ये सड़क उखड़ जाएगी, ये भारी भ्रष्टाचार का केंद्र है सड़क। तो ये देखिए, हमारे थे साथ है लोग सपा के कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष जी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि कल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं और दोनों परिवारों से मिलेंगे, उसके बाद उनको सांत्वना देंगे। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा।